लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा चिराग पासवान के समर्थकों ने सभी बागी सांसदों का अंबेडकर चौक पर पुतला दहन किया गया। सर्वप्रथम पार्टी कार्यालय में जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में बैठक आयोजित कर पार्टी के सांसद पशुपति पारस, प्रिंस राज, बीना देवी, चंदन सिंह एवं महबूब अली कैसर के प्रति गुस्सा जाहिर की एवं सभी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में चिराग पासवान के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी की आस्था व्यक्त की। उसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने शहर के अंबेडकर चौक पर बागी सांसदों के पुतला दहन कर कहा कि जिस तरह से पशुपति पारस के द्वारा चिराग पासवान के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया गया है, पुतला दहन के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी के सभी कार्यकर्ता, उम्मीदवार, संगठन कार्यकर्ता सभी लोग चिराग पासवान के साथ हैं। पशुपति पारस और सभी बागी सांसद जो दूसरे पार्टी के इशारे पर दूसरा दल बनाने का काम कर रही है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। मौके पर पार्टी के जिलाध्यक्ष दिलीप सिंह, कृष्ण यादव सहित तमाम लोग उपस्थित थे। ब्रिटिश न्यूज बिहार के लिए गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। पार्टी के कार्यकर्ता भाग ले करके जो हमारे तत्काल हम लोग एक संदेश देने का काम किए हैं कि बिहार में ऐसे नेता की, ऐसे एमपी की कोई जरूरत नहीं है। और पार्टी सबसे बड़ी चीज होती है, पार्टी एमपी बनाती है, कार्यकर्ता एमपी बनाती है। हम लोग पूरे ऊर्जावान साथी गया जिला में आज सारे देखिए इतने लोग आए हुए हैं, पूरे एक मुश्त हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के साथ कंधे में कंधे मिलाकर हर समय हर परिस्थिति में गया जिला साथ रहने का काम करेंगे। कमलेश शर्मा, लोक जनशक्ति प्रत्याशी निकाली। सभी लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी एवं संगठन के सभी साथी मिलकर के हम लोगों ने पुतला दहन किया है। हम लोग इस पुतला दहन के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हम लोग सारे जो लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी और कार्यकर्ता और जनता गया जिला के सब चिराग पासवान जी के साथ हैं। और जो पशुपति कुमार पारस और अन्य पांच सांसद जो पशुपति चिराग पासवान जी के साथ छोड़कर दूसरे दल में इशारा पर दूसरा दल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग उनका जोर विरोध कर रहे हैं। और ये कहना चाहते हैं कि सारा देश और प्रदेश चिराग पासवान जी के साथ है और चिराग पासवान की ही आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों को साकार करेंगे और हम लोग उनके साथ रहेंगे। छः प्रत्याशी के साथ, छहों प्रत्याशी पूर्व प्रत्याशी के साथ और यहाँ के सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी के साथ जो लोजपा के पांचों सांसद को जो निष्कासित हमारे चिराग भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष निकाले हैं लोजपा से, उनका यहाँ पुतला दहन करने का काम किया। और जो पशुपति पारस जी हमारे चिराग जी को छुरा घोंपने का काम किए हैं, पीठ में छुरा घोंपने का काम किए हैं, वह उनको मन का मुराद पूरा नहीं होगा और न वो मंत्री बन पाएंगे। जो जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ साठगांठ करके यह जो कार्य किए हैं बहुत ही निंदनीय है। और हम लोग चट्टानी एकता के साथ गया जिला लोजपा और कार्यकर्ता और पदाधिकारी हमारे पूर्व प्रत्याशी सब साथ में चिराग जी के साथ हैं और आज यहाँ पुतला दहन का कार्य हुआ पांचों सांसद का। दिलीप कुमार सिंह, लोजपा जिलाध्यक्ष गया। उन सर पार्टी के मतलब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और उनको बाद श्री चिराग पासवान जी और बाकी तो उन लोग के साथ हैं, हम लोग साथ हैं। लेकिन हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जिन्होंने तीनों भाइयों को एक अपना बेटा जिस तरह से चिराग पासवान को उन्होंने मानते थे और मानते आए, उसी तरह से पशुपति पारस जी को और रामचंद्र जी को अपना बेटा से कम नहीं माने हैं। लेकिन दो पर भी हमारे चिराग साहब को पशुपति पारस जी ने जिस तरह से खंजर भोंकने का काम किया है वो बहुत ही घिनौना और निंदनीय अपराध उसको मानिए। और इस तरह से और बाकी हम लोग सभी जनता जितना जो भी लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े हुए हैं पूरे बिहार चिराग पासवान जी के साथ है और हम लोग बहुत बहुमत और बहुत ही मानतन से चिराग जी के साथ जुड़े हैं और चिराग जी के साथ जुड़े रहेंगे। परिवार है, लोजपा कार्यकर्ता है, हम लोग आज यहाँ पर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी जितने भी गद्दार
और उपेक्षित जो सांसद हम लोगों को अपने पार्टी से निकाल दिए और हम लोग उनका पुतला दहन कर आज अपने दिल से पूरा लोजपा परिवार अपने दिल से उन लोगों को तिरस्कृत करने के लिए उनका पुतला दहन करने के लिए आए हैं। पशु पारसनाथ जी आदरणीय चिराग पासवान जी के चाचा थे और चाचा के अहमियत रखते हुए आज तक उनका इज्जत करते आ रहे थे और चिराग पासवान जी नेता हैं और पशु पारसनाथ जी आप सांसद हो सकते हैं, प्रतिनिधि हो सकते हैं, लेकिन नेता नहीं हो सकते हैं। वह नेता रामस्वर्गीय रामविलास पासवान जी के मृत्यु के बाद नेता बनने के फिराक में अपने भतीजा अपने सगे संबंधी खून को पीठ में खंजर ढोंक करके और उनके उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष से पदस्थ कर करके अपने उस पद पर आसीन होने के लिए पीठ में खंजर होते हैं। इसलिए वो कभी भी चिराग पासवान जी नेता कभी भी नहीं बदलता है, नेता रहते। चिराग पासवान जी नेता है और हमारे पूरा बिहार पूरा गया लोजपा परिवार और पूरे प्रदेश के या पूरे देश के वो नेता रहेंगे और इनका जो मंशा है कि मैं नेता बन जाऊँ, ये प्रतिनिधि बन सकते हैं और प्रतिनिधि 5 साल के बाद अध्यक्ष हो जाएंगे, लेकिन नेता मेरे जो है जिंदगी दिन रात तक जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक रामविलास पासवान जी के नाम रहेगा, उनका औलाद बारिश जो है चिराग पासवान जी वो भी अपने पिता के पदकदमों पर चलते हुए और हम लोग उन्हीं को नेता, पूरा बिहार और पूरा देश उनको नेता मानता है। लोजपा प्रत्याशी बेलागंज रामाशीसर और फूल जी बताइए। अच्छा बताइए, हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं पूरा जिला के हमारे जिला अध्यक्ष और 5-6 प्रत्याशी हम लोग यहाँ पे उपस्थित हो करके और पूरा जिला को सहयोगी लोग जनशक्ति पार्टी के सारे कार्यकर्ता जिला से लेकर पंचायत से लेकर सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हो करके और 6 बागी हुए हैं MP उनको हम लोग यहाँ पे मुर्दा जलाने का काम किए हैं 5 को। और हम लोग यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से पशुपति पारस जी अपने लालच में अपना भतीजा को जब वो नहीं हो सकते हैं तो किन्हीं को नहीं हो सकते हैं, जो रामविलास पासवान जी अपने दोनों भाइयों के लिए अपने परिवारों के लिए परिवारवाद कहते रहे आज उनको ही सिला दिए उनका बेटा को किस तरह से छोड़ करके और गैरों के साथ में राजनीतिक तय करने का काम किए हैं, पीठ में चूड़ा घोपने का काम किए हैं, जिस तरह से अभिमन्यु को महाभारत में इतिहास रच करके और मारने का काम किए थे, इसी तरह से पशुपति पारस जी चिराग पासवान जी को ध्वस्त राजनीतिक ध्वस्त करने में लगे हुए हैं, ये हम लोग कदापि नहीं होने देंगे। हम चिराग भैया के साथ पूरी जनता है, उनके साथ है पूरी जनता है, वो नहीं घबराएं और पूरा जनहित में उनको सारे लोग याद कर रहे हैं और सब लोग उनके साथ हैं। चिराग भैया नहीं घबराइए, पशुपति पारस जी अपना लोभ में जदयू के इशारे पे वो इस तरह के काम घटिया घिनौना हरकत काम कर रहे हैं, ये जनता कभी नहीं माफ करेगी। अपना परिचय दीजिए। मैं कुमारी शोभा सिन्हा पूर्व प्रत्याशी इमामगंज और लोक जनशक्ति पार्टी के मैं